हम फेल हो रहे हैं। मुद्दे हैं तीन हमारे पास, हम उससे इधर उधर ना जाएं। पहला, बहुजन आंदोलन हमारा आंदोलन क्या है, हमें यह पता होना चाहिए हमारा आंदोलन क्या है। दूसरा, आंदोलन में कमी कहाँ हो रही है और इस कमी को दूर कैसे किया जाएगा, ये तीन पॉइंटों पर चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा हम जो भी चर्चा करते हैं वो चर्चा किसी भी समय का और जो हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं होने देती है। हजारों संगठन है, काम पूरा नहीं हो पा रहा है, इसका रीजन है हमें अपने महापुरुषों का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन से हमें सीख मिलती है। कई साथियों ने बोला कि मैं की भावना करते हैं तो काम नहीं होता, मैं कहता हूँ कि मैं की भावना काम होने देती है। कांसीराम ने कहा था, मैं अकेला ही चलाता जानवी मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया और करके दिखाया। मैं की भावना काम नहीं होने देती है तो मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं अछूतों को अधिकार दिलाकर ही लूंगा, दिलाकर ही रहूंगा, और गांधी ने कहा था मैं अछूतों को अधिकार नहीं देने दूंगा। मैं की भावना काम करने देती है। तथागत बुद्ध ने संकल्प लिया था कि प्राणी के साथ जो मानव के साथ जो भेदभाव होता है, जो मानव के साथ में जो उस समय पर जो तथागत बुद्ध के समय पर जो पीड़ा उनको हुई थी मानव जीवन का कल्याण करने के लिए, तो उनके व्यक्तिगत मन में हुई थी, उन्होंने व्यक्तिगत संकल्प लिया था, जब तक मैं इसका समाधान नहीं ढूंढ लेता मैं वापस नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं है, हमारी नियति ठीक होनी चाहिए। सबसे पहले हमें कॉपी करना पड़ेगा महापुरुषों को। क्या कॉपी करना पड़ेगा? हमारे जितने भी संगठन हैं हमें समानता एक दिखती है सारे महापुरुषों में, जब हम उनका अध्ययन करते हैं। मैं जब तक डॉक्टर बन रहा था मैंने अध्ययन नहीं किया था महापुरुषों का। डॉक्टर बनने के बाद जब मेरे को समझ में आया कि महापुरुषों का आंदोलन क्या है, मैंने अध्ययन करना शुरू किया। मैंने सारे महापुरुषों में एक समानता देखी है, किसी भी महापुरुष ने आर्थिक संपन्नता के साथ आंदोलन नहीं चला पाया, कोई भी महापुरुष अपने परिवार को संपन्नता की ओर नहीं ले जा पाया, और जो भी संगठन का प्रमुख अपने परिवार को संपन्नता की ओर ले जाकर काम करना चाहता है ये कभी असंभव नहीं है। दूसरा, मैं एक और उदाहरण बताता हूँ आपको। इस आंदोलन को जिसको भी लीड करना है और अंतिम मंजिल तक पहुंचाना है उसको उसका बीज बनना पड़ेगा। बीज होता है जो नष्ट हो जाता है और पेड़ बनाकर छोड़ जाता है, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। अस्तित्व खत्म होने का डर है। अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए 10 संगठनों के लोगों से बोलूं कि आप अपने अपने अस्तित्व को खत्म करके एक नया संगठन बनाकर और एक लीडर तैयार कर लीजिए अपने बीच में से, इनमें से एक भी व्यक्ति, यही नहीं किसी भी क्षेत्र में एक व्यक्ति को लीडर स्वीकार नहीं करेगा यह समाज। अब बात आती है कि समाज को, जैसे संदीप भाई हमारे बोलकर चले गए हैं, मैं उन्होंने बोला था कि ये बहुजन समाज ही नेता बनाता है, मैं कहता हूँ ये निरर्थक प्रयास है। बहुजन समाज कभी नेता नहीं बनाता, नेता बहुजन समाज बनाता है, और ये हमेशा से होता आया है। हमारे हर महापुरुष ने समाज का निर्माण किया है, समाज ने किसी महापुरुष को नहीं बनाया। और दूसरा, हमारे समाज का सबसे बड़ा सत्य है कि ये बहुजन जो समाज है ना, ये हमेशा महापुरुषों को ही स्वीकार करता है, ये नेताओं को कभी स्वीकार नहीं करता। जिसको स्वीकार करता है वो नेता नहीं बनता, वो महापुरुष बनता है, और नहीं तो वो स्वीकार नहीं करता। और आज देश में किसी को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन बनते हैं वो भावनाओं को लेकर बनते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा विकास हो। और जो महापुरुष का रास्ता है ना, उसमें आपका स्वयं का विकास का तो मार्ग ही नहीं है, उसमें कुर्बानी है। सारे महापुरुषों के अंदर एक ही सिमिलरिटी है, उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन में अपने आप को नष्ट किया है, और जो इस भावना से इस आंदोलन को लीड करेगा वही बहुजन समाज के आंदोलन को अंतिम दिशा तक पहुंचाएगा। हम दो तीन पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। हमारे सूत्र जो बदले गए हैं, हमारे जो दिशा बदली गई है वो कैसे बदली गई है। मैंने अध्ययन किया तो पाया मैंने बाबा साहब का जो जीवन है, बाबा साहब का जो संविधान है, मैं उसको मानता हूँ पूरा का पूरा बुद्धा एंड इस धम्मा पर आधारित है। जो लोग भी चाहते हैं कि ये बुद्धा एंड इस धम्मा पर आधारित, बुद्ध के जो 5 सीलों का पालन करेगा, मैं वर्तमान में लॉ कर रहा हूँ, कोई सोचा भी नहीं होगा कि मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने के बाद, उसके बाद नौकरी मिलने के बाद, डेमोन्स्ट्रेटर बनने के बाद भी कोई व्यक्ति लॉ करने जाता है। मैं लॉ करने गया, मैंने कहा मैं देखूँ कि लॉ में ऐसा क्या है, संविधान में ऐसा क्या है, मैं सीखूँ उसको, पढ़ूँ कि हमारे सूत्र कैसे बदले गए। किसी सवाल का अगर सूत्र बदल दिया जाए तो उसके आंसर कभी ठीक नहीं होते, हमारे सूत्र बदले गए। बाबा साहब ने लिखा एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, संगठनों की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। एजुकेट मतलब शिक्षित, एजिटेट मतलब क्या होता है, हमारा जो सूत्र अभी तक हमने पढ़ा, शिक्षित बने, संगठित हो, संघर्ष करें, यह हमारा सूत्र ही नहीं था। संगठन का बिखराव का कारण बताता हूं मैं आपको, संगठन में बिखराव क्या होता है। एक बस होती है, बस
बस में 20 लोग बैठा दिए जाए, नई बस है चमचमाती हुई रोड पर रखिए, जय भीम का झंडा लगाए, लोगों ने देखा कि जय भीम का झंडा लगाया और बस में लोग बैठ गए, बस में बैठ गए, लोगों को जाना था कन्नौट प्लेस और दिल्ली, बस अगर इसकी दिशा अगर जाने लगी दूसरी दिशा में, जाने लगे अल्पा पर्वत की तरफ, दूसरे मैं बताता हूँ ग्वालियर की तरफ जाने वाली, जैसे ग्वालियर के लोग हैं उनको दिल्ली आना है और वो बस अगर जबलपुर की ओर जाने लगे तो जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं वो तो बैठेंगे और जो जबलपुर जाने वाले लोग हैं वो चिल्लाने लगेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें जबलपुर जाना है। बस जबलपुर की तरह घुमाई जाएगी, लोग चिल्लाने लगेंगे कि आप कहाँ ले जा रहे हो, हमें तो दिल्ली जाना है। ये हमारे संगठन की स्थिति कैसी स्थिति है, हमारे उद्देश्य एक नहीं है। कैसे लोगों का संगठन होना चाहिए, तो बुद्ध ने और बाबा साहब ने मिलकर एक ही सूत्र दिया। बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और बाबा साहब ने कहा एजुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज्ड। एजुकेट मतलब वो व्यक्ति होता है जो ये जान जाए कि गुलामी क्या है और आजादी क्या है, जो सत्य को सत्य के रूप में पहचान ले वही एजुकेट है। एजुटेट मतलब होता है जो गुलामी की भेड़ियों को काटने के मार्ग पर चलने लगे, वो व्यक्ति एजुटेट होता है, आंदोलित होता है, वो इसी को हम एजुटेट कहते हैं। एजुटेट करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को आंदोलित कर दो, आंदोलित किसके लिए किया जाता है, गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए। और ऐसे लोगों का संगठन बनाओ, कैसे लोगों का, जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, जो अपनी गुलामी की बेड़ियों को काटना चाहते हो, ऐसे लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। और मैंने देश के अंदर जब से घूमना शुरू किया है मुझे ऐसा एक भी संगठन नहीं दिखा जिसमें ऐसे लोग हों जो अपनी गुलामी की बेड़ियों को काटना चाहते हैं। वो लोगों की भीड़ को संगठन कहते हैं, भीड़ कभी संगठन नहीं होती। पुलिस वालों का एक मकसद होता है, एक मकसद के लिए मिशन क्यों कहा कांसीराम ने, मिशन का मतलब होता है एक लक्ष्य को लेकर, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए लोगों के समूह को हम एक संगठन कहते हैं। और ऐसा संगठन हमारे पास नहीं है। पहली बात तो जो संगठन का प्रमुख है, अगर संगठन का प्रमुख पारिवारिक संपन्नता की ओर ध्यान देगा यह आंदोलन फेल हो जाएगा। इसका हमारे पास बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में एक उदाहरण है, लेकिन अगर हम इस बात को उस दिशा में लेकर नहीं जाएं तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि अगर हम इस आंदोलन को आगे लेके जाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम तो पहला ही उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि जो इस आंदोलन को लीड करेगा उसको पारिवारिक और आर्थिक संपन्नता पर ध्यान नहीं देना है, उसको अपने आप को अंकुरित बीज बनाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बनाएगा तो हजारों संगठन और बनेंगे और लास्ट में एक ही कंक्लूजन तक। हमारे महापुरुषों को हम अध्ययन करते हैं तो हमें सीख मिलती है उनसे, हम बुद्ध से ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते, हम बाबा साहब से ज्यादा शिक्षा नहीं ले सकते और हम कांसीराम से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। जब उनके जीवन में संपन्नता नहीं आ पाई, वो अपने परिवार को संपन्न नहीं कर पाए, तो आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, आप उनकी लाइन को तोड़ने के लिए, यानी कि आप बाबा साहब बुद्ध और कांसीराम की लाइन को क्रॉस करके एक नया इतिहास बनाने वाले हो, यह संभव नहीं है। इसमें बीज बनना ही पड़ेगा और जो बीज नहीं बनेगा वो 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा और नष्ट हो जाएगा। इसके लिए जो भी नौजवान आगे आना चाहे, इसके लिए हमें रोड मैप तैयार करना पड़ेगा और रोड मैप में संरक्षक कितने भी लोग हो सकते हैं, बुद्धि वाले लोग कितने भी हो सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि कांसीराम साहब ने केवल एक किताब पढ़ी, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। 10 साल काम करने के बाद जब वो वहां पर गए, पहला कन्वेंशन था मलेशिया के अंदर कोलालंपुर में, उस कन्वेंशन में वो कहते हैं कि मैंने 10 साल एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट पर काम किया और काम करने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे को काम अब क्या करना है और मैंने पैटर्न चेंज किया। हमें पढ़ना होगा अपने महापुरुषों को। 90% मैंने जो लोग देखे हैं, कोई भी व्यक्ति जब मैंने सोचा है ना, मेरे को भी किसी एक हमारे धम्म के गुरु है, उन्होंने पढ़ने के लिए प्रेरित किया और मैं पिछले 3 साल से उनसे जुड़ा, तो मैंने आंदोलन को पढ़ा तो मेरे को कमियां नजर आईं कि हम कमी कहां करते हैं। 90% हम अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को ही नहीं पढ़ते हैं, हम एक नया इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं, हम उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करते। अब जैसे एक बात आई कि आरएसएस की बात करने लगे, हमें आरएसएस से क्या मतलब है, आरएसएस ने हमारे आंदोलन को कॉपी किया है। अगर आज हम उनके आंदोलन से सीख लेकर काम करेंगे, आप सोचिए कि आप जिस गद्दी पर बैठने के लिए प्रयास कर रहे हो, ये झटपटाहट हो रही है, दुश्मन उस गद्दी पर कितने सालों से बैठा हुआ है, तो उसकी सोच कहाँ की होगी।
अगर हमें उसकी सोच को मात देनी है तो यहाँ पर हमें आज से 5000 साल का प्लान करना पड़ेगा कि कब से उसने हमें गुलाम बना कर रखा है। तो आज हम जिस गद्दी पर बैठने का प्रयास कर रहे हैं, मनुष्य के जीवन का सिर्फ एक लाइन का अर्थ है, चाहे वो दुश्मन का हो या फिर हमारा हो। मनुष्य अगर जीवन में अगर संघर्ष कर रहा है ना, तो सिर्फ एक ही बात के लिए कर रहा है। आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है इसलिए संघर्ष कर रहे हो, लेकिन दुश्मन के पास व्यवस्थाएं है वो क्यों संघर्ष कर रहा है। मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है निरंतर सुरक्षा और निरंतर विकास। मनुष्य के जीवन में सुरक्षा और विकास अगर उसको मिल जाए, उसकी सुरक्षा हो जाए और उसका निरंतर विकास होता रहे, तो कोई नहीं भागेगा। दुश्मन को डर है कि आज मेरे पास सुरक्षा है और मेरा विकास भी है, लेकिन ये निरंतर रहने वाला नहीं है अगर मैं काम नहीं करूंगा तो। और हमारे पास तो है ही नहीं है, हम तो उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसकी सोच किस स्तर की होगी। आज कांसीराम साहब के आंदोलन को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि माननीय कांसीराम साहब के आंदोलन चलाने से पहले कभी भी दुश्मन के यहाँ पर त्यागी लोगों को महत्व नहीं दिया जाता था। उनके राजा रजवाड़ों को जो राजा लोग हुआ करते थे वही शासन चलाते थे। आज उनके यहाँ पर कुर्बानी देने वालों को वो आगे करते हैं और उदाहरण देते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का सीएम है और उसकी बहन ठेला लगाती है। क्यों उदाहरण दिया जाता है? समाज के अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। समाज से हम विश्वास खो चुके हैं। हमारे जितने भी लीडर हैं, ये बहुजन समाज में मैं कभी नहीं मानता कि गलती है। मैंने हर जगह पर जाकर लोगों से मिला हूँ, बात किया हूँ। बहुजन समाज आज भी उम्मीद लगाकर देख रहा है कि कोई ऐसा नेतृत्व लीडर निकल कर आए जो ईमानदारी से आंदोलन। समाज हमेशा मौका देता है और इस समाज ने दोबारा भी मौका दिया, अभी दो तीन लोगों को मौका दिया, लेकिन वो लोग भी दिशाहीन हो गए। ये विचार कोई और पैदा नहीं कर सकता मेरे अंदर कि मैं ईमानदार रहूं, ये मुझे खुद ही मेरे अंदर पैदा करना पड़ेगा। मैं कब बिकूंगा ये मैं तय करूंगा, ये आप कितना भी भरोसा करते रहो मैं कल बिक जाऊं, ये विचार मुझे खुद ही पैदा करना पड़ेगा। और ये विचार खुद ही पैदा होगा मनुष्य के अंदर। वो कब होगा किसी भी मनुष्य के अंदर? जब वो महापुरुषों के आंदोलन को पढ़ेगा। कई लोग केवल स्पीच सुनने के बाद आंदोलन से प्रेरित हो जाते हैं। स्पीच सुनने से आंदोलन से प्रेरित हो ये अच्छी बात है, लेकिन एक चपरासी के लिए न्यूनतम योग्यता होती है ना 8वीं क्लास पास करना। 8वीं क्लास तो पढ़नी पड़ेगी जब आप चपरासी बनोगे। एक टीचर के लिए एक योग्यता है कि आपको बीएड भी करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी जब आप टीचर बनोगे और आप इतिहास को बदलने जा रहे हो, बहुजन समाज के शासक बनने जा रहे हो। और अगर अध्ययन की बात करें तो हम महापुरुषों के अध्ययन, महापुरुषों का जो इतिहास है उसको ही नहीं पढ़ते, और पढ़ते भी हैं, पढ़ते हैं तो कैसा पढ़ते हैं उसका मैं उदाहरण देकर बात खत्म कर दूंगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मान लो कि एक स्पेशलिस्ट हूँ किसी सब्जेक्ट, ये सर बीमार हैं, मैं डॉक्टर बहुत अच्छा हूँ, जांच भी बहुत अच्छी करता हूँ, दवाई भी बहुत अच्छी लिखता हूँ और दवाई बहुत अच्छी देता भी हूँ, इनकी बीमारी का मेरे को पता भी है, परंतु ये ठीक कब होंगे? इनको वो दवाई खानी पड़ेगी, ये खाएंगे नहीं। हमारा व्यक्ति जानता सब कुछ है, समझता सब कुछ है, लेकिन उस मार्ग पर नहीं चलना चाहता। मार्ग पर नहीं चलोगे सफलता नहीं मिलेगी। मार्ग पर चलना है कुर्बानी देना, कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। बिना कुर्बानी दिए हुए इस बहुजन आंदोलन को मंजिल तक नहीं पहुंचाया जा सकता। कुर्बानी के साथ साथ मैंने तीन चीजें लिखी है, अगर ये किसी भी व्यक्ति के अंदर आती है, एक लीडर के अंदर जो गुण लिखाए हैं मैंने उसमें भी लिखा है। एक सफल जो बहुजन आंदोलन को कौन नेतृत्व कर सकता है? त्याग हो उसके अंदर, अनुशासन हो उसके अंदर, स्वाध्याय, जिसके अंदर खुद अध्ययन करने। मैं किसी आंदोलन को लीड कर रहा हूं और मेरे को अध्ययन करके ये बता रहे हैं इस आंदोलन को मैं लीड नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे स्वाध्यायी बनना पड़ेगा, मुझे खुद अध्ययन करना पड़ेगा। किसी भी साइंटिस्ट को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता कि तुम ये प्रयोग करो, प्रयोग उसी साइंटिस्ट को करना पड़ता है। कांसीराम साहब ने स्वयं प्रयोग किया, बुद्ध ने स्वयं प्रयोग किया, बाबा साहब ने आंदोलन का स्वयं, उनको किसी ने मार्ग नहीं दिखाया कि तुम इस मार्ग पर अब आगे चलो, उन्होंने स्वयं प्रयोग किया। निरंतरता होनी चाहिए उसके अंदर, जो काम वो कर रहा है ना, निरंतरता कब बाधक हो जाती है? अगर हम परिवार से जुड़कर रहते हैं, फैमिली से जुड़कर रहते हैं, बच्चों से जुड़कर रहते हैं, तो निरंतरता बाधक बनती है। कैसे बाधक बनती है? घर में कोई घटना घटित हो गई, आप मजबूरी में आपकी निरंतरता को बाधक करेगी। आपका दायित्व तो है कि आप उस परिवार की जो घटना घटित हुई है उसकी जिम्मेदारी को पूरा करें, तो निरंतरता क्या होगी? बाधक हो जाएगी। और सजगता भी होनी चाहिए उसके अंदर, वो जो काम कर रहा है उसके प्रति सजग भी होना चाहिए कि मेरी दिशा सही चल रही है कि नहीं, इसके लिए संरक्षक कमेटी भी होनी चाहिए। तो
ज्यादा बात को न रखते हुए मैं बस दो ही तीन बातों पर ध्यान देने के लिए अपने लोगों से कहूंगा कि देश के अंदर अगर बहुजन आंदोलन को जिंदा करना है तो संगठन कितने भी बना लो उससे नहीं होगा। संगठन के अंदर जो भी लीडर हो, वो स्वाध्यायी हो, वो कुर्बानी देने वाला हो, वो संगठन के माध्यम से परिवार चलाने वाला ना हो तो ही इस आंदोलन को गति मिलेगी। इसके लिए बैठकर प्लान करें, सब लोग मिलकर प्लान करें और एक दूसरे की बातों को सुनकर जाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।